भारत और वेस्टइंडीज के बीच लगातार दो दिन T20 इंटरनेशनल मैच हो रहे हैं। पहला मैच 1 अगस्त को खेला गया जबकि दूसरा मैच आज खेला जाना है। दोनों टीमों के बीच सीरीज के तीसरे मैच का समय बदल दिया गया है। दरअसल दूसरा T20 इंटरनेशनल मैच भारतीय समय के मुताबिक रात 10:30 बजे से शुरू हुआ था और तीसरा मैच भारतीय समय के मुताबिक रात 9:30 बजे शुरू हो जाएगा। वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज के पहले 2 मैचों में सूर्य कुमार यादव ने रोहित शर्मा के साथ पारी का आगाज किया है और ये बात पूर्व क्रिकेटर के श्रीकांत को बिल्कुल पसंद नहीं आई है। श्रीकांत का मानना है कि इस तरह से सूर्य कुमार यादव का कॉन्फिडेंस नीचे जा सकता है। श्रीकांत ने कहा कि सूर्य कुमार यादव T20 वर्ल्ड कप 2022 में नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए बेहतरीन खिलाड़ी हैं, तो आप उनसे पारी का आगाज क्यों कराना चाहते हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज के दूसरे T20 मैच में भारत को 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा अपने बल्लेबाजों से खासा नाराज नजर आए। रोहित ने मैच के बाद कहा कि पिच बढ़िया थी लेकिन हम बैटिंग यूनिट के तौर पर खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाए। हालांकि रोहित ने साथ ही कहा कि इस तरह की गलतियां हो जाती हैं। भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली को वेस्टइंडीज दौरे से आराम दिया गया है। इंग्लैंड दौरे के बाद विराट ब्रेक पर चले गए। वापसी पर उनका बैटिंग ऑर्डर क्या होना चाहिए, इस पर वसीम जाफर ने अपनी राय दी है। वसीम जाफर ने कहा कि विराट कोहली अपनी नंबर 3 की पोजीशन पर बने रहेंगे जबकि केएल राहुल और रोहित शर्मा को पारी का आगाज करना चाहिए। 3 गोल की बढ़त को गंवाकर भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की पुरुष हॉकी स्पर्धा में पूल बी के मैच में इंग्लैंड से 4-4 से ड्रॉ खेला। भारतीय टीम ने शानदार शुरुआत की और पहले 2 क्वार्टर में दबदबा बनाकर रखा। बॉक्सर आशीष कुमार ने पुरुषों के 80 किलोग्राम वर्ग राउंड ऑफ 16 में न्यू के ट्रेविस को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। आशीष ने 5-0 से ये मुकाबला अपने नाम किया। भारतीय महिला वेटलिफ्टर हरजिंदर कौर ने 71 किलोग्राम वर्ग में किस्मत के सहारे ही सही लेकिन कांस्य पदक जरूर जीत लिया है। उन्होंने कुल 212 किलोग्राम वजन उठाकर कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत को 9वां पदक दिलाया। हरजिंदर ने क्लीन एंड जर्क राउंड में अपने पहले प्रयास में 113 किलोग्राम वजन उठाया। भारत के दिग्गज गोल्फर जीव मिल्खा सिंह JCB सीनियर चैंपियनशिप के तीसरे और आखिरी दौर में खराब प्रदर्शन के बाद 3rd से 22वें स्थान पर खिसक गए। पहले दौर में 64 और दूसरे में 73 का स्कोर बनाने वाले जीव ने आखिरी दौर में 6 और 78 का खराब प्रदर्शन किया। पकड़ो कैच, जीतो मैच, ये तो हर कोई जानता है लेकिन क्रिकेट की हर खबर हम आपको बताते हैं। इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े रहें इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल के साथ। ब्यूटीफुली प्ले।